बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ द सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बाय फ्रेड आर डेविड। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रेटजीज इन एक्शन। लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे थे इंटरनल असेसमेंट के, जिसमें हमने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शंस को भी असेस किया कि विच ऑफ द फंक्शंस माइट क्रिएट व्हाट काइंड ऑफ आइदर वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स। अभी हम बात करते हैं उन स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के ऊपर जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको नजर आती हैं, जिनकी बेसिस के ऊपर वो अपना फर्दर मोड ऑफ एक्शन जो है वो उसको डेवलप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बाय डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव के वर्ड को एक्सप्लेन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपनी वर्क एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही होती है तो दे वॉन्ट टू अचीव सम आउटकम। सो ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? दीज आर द outcomes or these are the end results that an organization wants to achieve. ये objectives short term में भी consider किए जाते हैं और long term में भी consider किए जाते हैं। At time हम long term के लिए objectives की बजाय एक और word को use करते हैं, that is termed as a goal. So interchangeable words हैं, organizations में ये use किए जाते हैं। Management की language जो है उसमें भी ये use किए जाते हैं कि objectives are the for the short run and goals are the words which are used for the long run. लेकिन एट टाइम हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को गोल्स के मुतबादल के तौर पे भी यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से देयर आर फ्यू करेक्टरिस्टिक्स व्हिच नीड्स टू बी देयर व्हाइल वी आर डेवलपिंग दीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें सबसे पहली बात आती है कि ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी क्वांटिफाइएबल। कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑब्जेक्टिव को डेवलप करते हैं करती है तो उसके लिए इस नेसेसरी है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्वांटिफाइएबल हों। लाइक फॉर इंस्टेंस इंक्रीज इन सेल्स बाय 5% ऑफ बेस ईयर, मैं कह लेता हूँ 2019। सो इट इज क्वांटिफाइबल। जब भी हम 2009 की सेल है, फॉर इंस्टेंस अगर 2019 की सेल है 100 रुपीज की, तो इसका 5% क्या होगा? That is a 5 rupees. So our objective is to achieve 105 rupees. So this is where an objective is quantifiable. Second aspect आता है कि वो measurable हों। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा quantifiable के strength के साथ relate कर लें, तो measurable are those objectives जिसको हम easily measure कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर हमने travel करना है towards Lahore, तो the basic measurable distance is 120 kilometers. So that distance is measurable. Third, जो quality आती है किसी भी objective की वो है कि it must be realistic. Realistic objectives हम उसको कहते हैं which is achievable. Otherwise हमारे साथ जो भी objectives develop किए जाते हैं, if they are far away, तो फिर उसकी motivation ही create नहीं हो सकती। So realistic objectives develop करना भी organizations की responsibility है। Then fourth element है that they must be understandable. Understandable to whom? That is to the organization and also the employees. कि वो इन objectives जिसको वो develop कर रहे हैं उसको understand कर सके। Fifth characteristic is the challenging. कि जो objectives आप develop करते हैं वो challenging होना बहुत जरूरी है, because if they are too easy तो वो मोटिवेशन क्रिएट नहीं करेंगे एंड वी विल बी टू लेजी टू अचीव दोस। और इफ दे आर, जैसे हमने कहा, अनरियलिस्टिक, तो भी फिर हम उसको अचीव करने की कोशिश नहीं करेंगे। सो दे मस्ट बी चैलेंजिंग। सो ये कुछ हमने देखे जी ऑब्जेक्टिव्स और उसके करेक्टरिस्टिक्स। इसके साथ साथ इसी को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं कि सिक्स्थ जो एलिमेंट है वो है कि ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी हायरार्किकल इन इट्स नेचर। हायरार्की हम किसको कहते हैं? ये हम मैंने आपके सामने एक हायरार्की बना दी। So, चलें इसका एक और लेवल बना देता हूँ आपके लिए। सो ये ऑब्जेक्टिव्स, सो इस बंदे के इनके 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 ऑब्जेक्टिव समड अप इनटू दिस, देन समड अप इनटू दिस एंड देन समड अप इनटू दिस। सो ये हमने क्या किया है कि ऑब्जेक्टिव्स को हायरार्किकल बनाया है। मींस हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में ये हम लेवल्स को शो करने के लिए ये डायग्राम यूज करते हैं कि जैसे 1, 2, 3 और 4 लेवल्स आपको ऑर्गेनाइजेशन में नजर आ रहे हैं, और हर हायरार्किकल लेवल जो आपका है उसके ऑब्जेक्टिव्स डेवलप होने बहुत ज़रूरी होते हैं। सो इसका कॉन्टेक्स्ट मेजरेबिलिटी में भी आता है कि जब आप ऑब्जेक्टिव्स को एज अ बेस ऑफ कंट्रोलिंग यूज कर रहे होते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो रहे हैं और कहाँ पर नहीं हो रहे।
देन सेवन इसका करेक्टरिस्टिक है दे मस्ट बी ऑब्टेनेबल, कि जिनको हम अचीव कर सकें, अचीवेबल के कॉन्टेक्स्ट में भी आप ले सकते हैं इसको। देन एट है दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट से क्या मुराद है कि एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा ऑब्जेक्टिव दे मस्ट गो ऑल टुगेदर, ठीक है। सो हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स जो कि कॉन्ग्रुएंट नहीं होते दूसरे ऑब्जेक्टिव्स के साथ, वो हमें एक आउटकम जनरेट नहीं कर सकते। जस्ट इसकी एग्जांपल छोटी सी लेते हैं, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जो अगर हम मीडिया को यूज कर रहे हैं टेलीविजन, तो वही जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सिमिलर नेचर के होने चाहिए जब हम कोई प्रिंट मीडिया कंपेन रन कर रहे हैं या रेडियो की कंपेन रन कर रहे हैं। और नाइन्थ इसका लास्ट एलिमेंट जो बनता है दैट दे मस्ट बी अकॉर्डिंग टू अ टाइमलाइन। किसी भी ऑब्जेक्टिव के साथ टाइमलाइन का सेट होना बहुत ज़रूरी है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को हम किस कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीट करना चाह रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स किस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। अमूमन जो हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, जनरल डेफिनेशन वन ईयर और ग्रेटर देन वन ईयर ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या कंसिडर करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स कंसिडर करते हैं, और लेस देन वन ईयर ऑब्जेक्टिव्स को हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स कंसिडर करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से कुछ कंक्लूजन लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आर बेसिकली कॉमनली स्टेटेड इन टर्म्स सच एज, पहली चीज आ गई ग्रोथ इन एसेट्स और ग्रोथ इन सेल्स और इन प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे मार्केट शेयर हो सकता है, और डिग्री एंड नेचर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि अगर मैं इस रास्ते पे जा रहा हूँ तो मैं उससे हट के इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ, इससे जा सकता हूँ, रिलेटेड भी हो सकती है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकती है। तो जनरली हम ऑब्जेक्टिव्स को कुछ इन वर्ड्स की सूरत में क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ बना लेना काफ़ी नहीं होता, हमें इसके लिए परफॉर्मेंस मेजर्स भी रखने पड़ते हैं। सो वेरिंग परफॉर्मेंस मेजर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन लेवल आपको क्या नज़र आते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द कॉर्पोरेट लेवल, सेकेंड इज द डिविजनल लेवल और थर्ड वन इज द फंक्शनल लेवल। पहले इसको समझ लेते हैं, कॉर्पोरेट लेवल क्या है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर कर रहा है, डिविजन लेवल क्या है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का डिविजन वन है और डिविजन टू है, तो ये आपके जो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर डिवीजन वन के ऑब्जेक्टिव्स अलग से होंगे, डिवीजन टू के अलग से होंगे, और देन उसमें जितने भी फंक्शंस हैं जैसे एचआर है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एक्सेट्रा, प्रोडक्शन, ये वो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सो बेसिस फॉर एनुअल बोनस और मेरिट पे एक उसने परफॉर्मेंस मेजर्स बना दिए कि 75% बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड 25% बेस्ड ऑन एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, जब हम कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स उनसे हैं वो 50% बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड 50% बेस्ड ऑन एनुअल ऑब्जेक्टिव्स, और फंक्शनल को हमने रिवर्स कर दिया देन द कॉर्पोरेट 25% ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स और 75% बेस्ड ऑन एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। सो फंक्शंस वर्सेस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, फंक्शन कह रहा हूँ, फाइनेंशियल वर्सेस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। सो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि कहीं ना कहीं किससे रिलेट करते हैं, दे आर रिलेटेड विद वन वर्ड दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनेंस। फाइनेंस हम किसको कहते हैं, वो रकम जो कि हमें किसी काम के करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इन ऑब्जेक्टिव में आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा। लाइक पहला इसका ऑब्जेक्टिव आपको नजर आता है ग्रोथ इन रेवेन्यूज। रेवेन्यू किसको कहते हैं, हम इसको उर्दू की जुबान में कहते हैं वसूलियां, यानी जो फार्म मार्केट से पैसा गेन कर रही है वो उसके लिए क्या है, रेवेन्यू है। फॉर इंस्टेंस इफ आई एम सेलिंग फ्यू कमोडिटीज और उन कमोडिटीज के अगेंस्ट जो मुझे पैसा वापस आ रहा है वो मेरे लिए रेवेन्यू है। अगर मैं पहले 100 रुपये एज अ रेवेन्यू लेता हूँ तो मैं कहता हूँ इस दफा मैंने 110 रुपये लेने हैं, तो दैट इज अ 10% इंक्रीज इन द रेवेन्यू, अगेन इट विल कम इन द फाइनेंशियल टर्म्स। सो ग्रोथ इन रेवेन्यूज कैन बी अ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। दूसरा है ग्रोथ इन अर्निंग्स। अर्निंग हम किसको कहते हैं, वो जो कि हमारे पास प्रॉफिट की सूरत में आ रहा होता है। सो अगर हम चाहते हैं कि हम 10 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं और 12 रुपये प्रॉफिट कमाएंगे तो 20% अर्निंग्स हमारी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। थर्ड है हायर डिविडेंड। डिविडेंड हम किसको कहते हैं, बेसिकली हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, जैसे हम कहते हैं सोल प्रोपराइटर, यानी एक ऐसा कारोबार जिसका मालिक एक होता है। फिर हमारे पास पार्टनरशिप के बिजनेस होते हैं,
और तीसरा जो हमारे पास टाइप ऑफ बिजनेस है वो है फार्म, ठीक है। और फर्म्स जो हैं वो अपने शेयर्स लॉन्च करती हैं मार्केट में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इसको हम फर्म भी कहते हैं, कंपनी भी कह सकते हैं। सो हमारे पास ये दो होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इन कंपनीज के लिए एक पॉसिबिलिटी रेवेन्यू अपनी फाइनेंसिंग के लिए होती है कि ये बाय शेयरिंग देयर स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट ये वहाँ से रेवेन्यू हासिल कर सकती हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस। अब उस पैसा जिसमें मैं वो शेयर्स खरीदता हूँ उसके अगेंस्ट ये मुझे प्रॉफिट देती हैं, वो प्रॉफिट क्या कहला रहा है, डिविडेंड। सो एक चीज़ ये प्रॉफिट जो है वो तमाम शेयर होल्डर्स के लिए जाता है। सो हायर डिविडेंड मीन्स दैट वी वॉन्ट टू इंक्रीज द डिविडेंड ऑफ द शेयर होल्डर्स। देन फोर्थ हमारे पास जो एस्पेक्ट नजर आता है दैट इज हायर प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन से क्या मुराद है कि जी अगर 10 रुपये हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आती है और उसमें 20% यानी 2 रुपये हमारे पास क्या है प्रॉफिट मार्जिन है, वी वॉन्ट टू इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन बाई रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी और इंक्रीजिंग द सेल, तो हम उसको 30% चेंज करना चाह रहे हैं, दैट इज द 3 रुपीज। सो ये क्या हो गया, हायर प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। और फिफ्थ हमारे पास आता है हायर अर्निंग पर शेयर। सो हम क्या करना चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास डिविडेंड है उसी तरह से अर्निंग पर शेयर मीन्स कि एक इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल्स अपने साथ शेयर्स रख रहे होते हैं उसके ऊपर उनको अर्निंग पर शेयर क्या मिल रही है उसको आप इंक्रीज करना चाहते हो ताकि आपकी स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज कर सकती हैं। और सिक्स्थ एलिमेंट इंप्रूव्ड कैश फ्लो। कैश फ्लो दो किस्म का होता है हमारा, हम कहते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो। सो इनफ्लो इंक्रीज करें, आउटफ्लो इंक्रीज करें, तो ये दोनों एक दूसरे की कॉम्बिनेशन में चल रहे होते हैं, इनफ्लो पैसे का आना और आउटफ्लो पैसे का जाना। सो इनफ्लो ज़्यादा होगा तो आउटफ्लो भी ज़्यादा हो सकता है, मीन्स जैसे हम पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, हम ज़्यादा स्टॉक्स मंगवा रहे हैं, ज़्यादा मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन क्रिएट कर रहे हैं। सो दे बोथ गो हैंड इन हैंड, इन कॉम्बिनेशन आपको चलते हैं। सो दीज आर ऑल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंसिस से रिलेट नहीं करते, वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं कि हम लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना चाह रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर प्राइसेस एक्सेट्रा। जो हमें फाइनेंशियल देखें जैसे लार्जर मार्केट शेयर, अगर हम मार्केट, ये टोटल हमारे पास मार्केट है और इसमें हम 10 यूनिट सेल करते हैं, तो अब हम यहाँ पर 15 यूनिट सेल करना चाहते हैं, तो आपका मार्केट में टोटल 100 में से शेयर पहले 10% था, अब 15% हो जाएगा, तो दैट्स व्हाट वी वांट टू अचीव। दूसरा आ जाता है क्विकर ऑन टाइम डिलीवरी देन राइवल्स की। हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जैसे फेडेक्स है, आपको फेडेक्स की सक्सेस की रीज़न ही ये है कि वो अपनी डिलीवरीज वेरी टाइमली दे रहे होते हैं। सो क्विकर ऑन टाइम डिलीवरी देन द राइवल्स, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। देन क्विकर डिजाइन टू मार्केट टाइम्स देन राइवल्स, आप नए प्रोडक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई नए आइडियाज लेकर आना चाह रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट डिज़ाइन को आप बाकी राइवल से पहले क्रिएट कर लेते हैं, मार्केट में ले आते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिल जाएगा, दैट इज़ अनदर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। देन फोर्थ है लोअर कॉस्ट देन राइवल्स, कि आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को या किसी भी अदर फंक्शन की कॉस्ट को क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं देन द योर राइवल फर्म्स। सो ये आपको एक कंपेटिटिव एडवांटेज देती है कि आप लोअर प्राइस चार्ज करके ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल कर सकते हैं। हायर प्रोडक्ट क्वालिटी, तो क्वालिटी में आप दूसरों से बेहतर होना चाह रहे हैं। वाइडर जियोग्राफिक कवरेज देन द राइवल्स एट्सेट्रा, कि आप मोर जियोग्राफिकल रीजन्स के ऊपर अपनी, जैसे आपको हमारे मुल्क के हवाले से सेलुलर कंपनीज एक फाइट करती हुई नज़र आती हैं कि जी मोस्टली जो जायज़ है उसके आपको कवरेज रेट ज़्यादा मिलता है, मोर सिटीज में वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, टेलीनॉर अपना कुछ क्लेम करता है, यूफोन अपना क्लेम करता है। सो वाइडर जियोग्राफिकल कवरेज इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। सो देर इज अ फ्रीक्वेंट ट्रेड ऑफ आपको नजर आता है, ट्रेड ऑफ दैट इज एन एक्सचेंज बिटवीन द फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। सो ये फर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उस वक्त वो किस स्टेटस में है जहाँ पे उसके लिए फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को मीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को। सो एक ट्रेड ऑफ आपको एट टाइम करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मार्केट स्टेटस एंड सिचुएशन, जिसके मुताबिक आप इसी के बेसिस के ऊपर कुछ अपने लिए अच्छा करना चाह रहे होते हैं।
So that's all regarding the objectives that can be developed by the organization. इसमें हमने strategic objectives जो उनसे हैं या long term objectives उसको देखा, उसकी characteristic को understand किया, and then हमने financial और strategic objectives उसको understand करने की कोशिश की है. So if you still have any questions or queries, so you can ask in the comment section and we would definitely love to answer those. Thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.